शिवपुरी जिला अस्पताल में लगभग 50 से 60 महिला पुरुष सफाई कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है, जिनका आरोप है कि ठेकेदार ने हमारा वेतन नहीं दिया है जबकि हमारा पेमेंट आ चुका है, लेकिन ठेकेदार विवेक गुप्ता द्वारा पूरा भुगतान नहीं दिया गया है और मैनेजर रवि ने बताया कि पेमेंट ऊपर से नहीं मिला है और हम अभी और ऊपर बात कर रहे हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर अपना पूरा नाम क्या है? रवि सिंह बैस। अच्छा, जो बाहर आज सफाई कर्मी हड़ताल पर है, क्या कुछ समस्या लेकर ये बाहर है? समस्या वेतन को लेके है, हमें सितंबर से कोई पेमेंट नहीं हुआ यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ से, उनको अभी ऊपर से बजट नहीं आया है भोपाल से, फिर भी अपन ने सितंबर से लेके दिसंबर तक का पेमेंट लेबर का करा दिया है और उनको जनवरी का भुगतान भी सोमवार को करा दिया जाएगा, लेकिन उनकी मांग है कि सर हमारा आज तक का पूरा हिसाब किया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी ने अपने 5 महीने से अपनी तरफ से पेमेंट करा दिया है और जैसे जैसे पेमेंट आता जा रहा है अपन उनको कराते जा रहे हैं। तो लगभग इस समस्या को आपने ऊपर रखा है कि उनकी पूरी जो वेतन है वो उनको पूरी प्राप्त की जाए। 2 महीने का उनका भुगतान बकाया है जिसमें से 1 महीने का उनका सोमवार को आ जाएगा, वो बकाया 1 महीने का जो बचेगा उसके लिए भुगतान की बात हुई है मेरी सीएस साहब से, तो जैसे ही वो करा देंगे तो अपन उनको भी वो भी करा देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? ललिता ऊजा। अच्छा, आप ये हड़ताल कर रहे हो, क्या समस्या लेकर हड़ताल पर बैठे हो? सब सैलरी के चक्कर में कर रहे हैं। सैलरी कितने समय से आपकी सैलरी नहीं? अगस्त से 3 बार आई हमारी बस, 4-4 महीने में डालता है, 1 दिन की 1 महीने की डाल देता है, उसके बाद फिर लटके रहो। अभी कितने माह की आपकी सैलरी नहीं आई है? 4 महीने की हो गई, चौथा चल रहा है जी। आपके साथ कितनी ऐसी महिला है जिनके आपके साथ साथ उन लोगों की भी सैलरी नहीं आई है? हम सर उसमें 6 जने हैं। 6 लोग। तो अभी आपने आई शू में इस समस्या का आपने बोला, शिकायत की? सब कर लिया सर। क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं मिला, डाल देंगे। डाल देंगे कौन? ठेकेदार। ठेकेदार क्या बोलते हैं ठेकेदार साहब? डाल देंगे, 1 महीने की डालता है बस, वो तो उसी में तसल्ली दे देता है। आपने सिविल सर्जन से समस्या के बारे में बात की है? सबसे की, हमारे अधिकारी भी हैं उनसे भी की, साहब तक भी बोला, तो बोलते आपके ठेकेदार से बोलो। अगर आपको वेतन जैसे अभी नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? नहीं करेंगे काम। काम नहीं करेंगे, काम बंद कर देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश बाल्मीक नाम है मेरा सर। आज जो आप हड़ताल कर रहे हो, किस समस्या को लेकर आप हड़ताल पर बैठे हो? जिस दिन से सर ये ठेका आया है उस दिन से काफ़ी परेशानी में, पैसा टाइम टू टाइम मिल नहीं रहा, 2 महीने 20 दिन हो चुके हैं, आज तनख्वाह आज तक आई नहीं है, बच्चों को क्या खिलाए, परेशानी का सामना कर रहे हैं, जब जब उनसे पैसे मांगते हैं तो वो ठाठी से काम करवा दें हम लोगों से, और जो कहते हैं करना हो तो करो, नहीं जाइए अपने अपने घर पे। आप समझ लो सर कि अब इतनी परेशानी में आके क्या कर सकते हैं हम लोग, केवल एक काम बंद करने की हमने अपने दिमाग में रखी कि हमारा पैसा दो, जब तक काम नहीं करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। जब तक 2 महीने 20 दिन हो गए सर, कुछ लोगों को 4-4 महीने से भी ऊपर हो गए हैं। आपके साथ कितने लोग ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं मिला? जितने भी सर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं उनको सबको इसी तरीके से गुमराह किया जा रहा है। कितने लोग हैं आपके? 70-80। अभी 70 के करीब होंगे सर। अभी जैसे आपने इस समस्या को अपने सिविल सर्जन? हाँ सर, कई बार दोहरा दी ये बात हमने अपने साहब को, सीएस सर को, के साहब जी जो, तो वो कहते हैं कि हम इनको पेमेंट कर चुके हैं, अब जे आप जाने और ठेकेदार जाने। ठेकेदार कौन है? जीवन मित्रा के नाम से जाना जाता सर, ठेकेदार आज तक हमने देखा भी नहीं है। एक रवि सर आते हैं ग्वालियर से, जो है वो बोलते हैं अपने आप को, हमें मालूम तो नहीं है कि मैं इसका जो है मैनेजर हूँ, तो वो अपने ठाठी से रोल जमा के काम करवाते हैं। अभी अगर जैसे आपको अभी आश्वासन क्या दिया? बिल्कुल झूठा आश्वासन कई बार दे चुके हैं सर ये, और आज भी झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि हम 1 महीने के पैसे देंगे और काम करिए, तो सर हम जितने कर्जे में बैठे हैं कि 1 महीने के बलि के 2 महीने के भी सिर्फ पूर्ति नहीं हो पाएगी। अच्छा, अगर आपको अभी अगर तुरंत आपको अगर अपना वेतन नहीं मिलता है? हाँ सर, क्या करेंगे? हम काम नहीं करेंगे सर, जब तक हमारा पेमेंट नहीं देंगे पूरा हम काम नहीं करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।